मास से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड मास से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मास को मल्टीप्लाई किया तो एम इंटू ए हो जाएगा, एम इंटू यस ए फोर्स। एफ फोर्स लेकिन राइट हैंड साइड पे भी एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एम के बाय टू एक्स रेस टू माइनस थ्री बाय टू वी। वेट अ मिनट, अब देखो फोर्स आपका आ रहा है, देखो ये फोर्स आ रहा है एक्स के टर्म्स में, इसमें एम के बाय टू तो कांस्टेंट है, के तो आपको याद है ऑलरेडी कांस्टेंट था, टू कांस्टेंट है, और एम है बॉडी का मास, बॉडी का मास भी तो कांस्टेंट रहेगा पूरी जर्नी में ना, तो कांस्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम है कि वी अभी नहीं है, वी हटाना है। तो बार यहाँ से देख सकते हो वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कभी भी के एक्स टू माइनस हाफ, ये वी को आप लिखो के एक्स टू माइनस हाफ, ऑलरेडी यहाँ पे एक्स टू माइनस थ्री बाय टू है, माइनस एम के बाय टू, तो थोड़ा सॉल्व कर वन लेते बाई हैं। एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स टू माइनस थ्री बाय टू और एक्स टू माइनस हाफ, ये दोनों ऐड होंगे, माइनस थ्री बाय टू और माइनस हाफ ऐड होके तो -4/2 माइनस आएगा, टू हो माइनस फोर जाएगा। बाय टू तो ये एक्स टू माइनस टू का आप नीचे ले लो, वन मतलब बाय एक्स स्क्वायर, वन हाँ बाई एक्स एम के स्क्वायर स्क्वायर तो पूरा कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट है, डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन आ गया। समझा क्या? सर वो डी एक्स यस। में डी टी वाला थर्ड स्टेप है ना, वो बताओ ना फिर से। देखो क्या होता है, आपको देखो ये आपको सिखाया गया है कि डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू एन, आपको ऐसा सिखाया गया है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू एन आपको ये मालूम है कि इट इज एन एक्स टू एन माइनस वन, ये मालूम है तुमको। लेकिन इसमें नीचे एक्स होता है, नीचे एक्स होता है तभी ये सही है। अगर सपोज नीचे एक्स नहीं है, लेट सपोज नीचे टी है, ठीक है, तो होता क्या एक्चुअली, मतलब नीचे एक्स या टी कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, तो दोनों अलाउड है, ऐसे थोड़ी खाली एक ही चीज अलाउड होगी। नीचे डीएक्स अगर है ना तो भी क्या होता है, देखो एक बार ये खत्म होने के बाद ये आपने एन एक्स टू एन माइनस वन कर दिया, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद ऐसा है कि ये डी एक्स रेस टू एन जो लिखा है इसकी वैल्यू ये है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, नीचे एक्स होना चाहिए। लेकिन अभी सपोज नीचे एक्स नहीं दिया है, इधर इधर मैं कर रहा हूँ, नीचे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी टी, ठीक है, डीटी तो थोड़ा अलग है ना ये, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो नीचे मैं ये देखो अभी नीचे डी एक्स मल्टीप्लाई किया, नीचे डी एक्स लिया और इधर भी मैंने डी एक्स ले लिया, देखो डी एक्स मैंने ले लिया और डी टी, ये और ये देख सेम ही है, हाँ मैंने डी टी डी एक्स डी एक्स को एडजस्ट किया है। अब इसकी वैल्यू जो है ना, n(x)-1। लेकिन साथ में ये भी लग जाएगा पीछे, डी एक्स यस बाय यस एन, समझा, ऐसा कुछ है, यस सर, क्लियर। हाँ इसको चेन यस रूल कहते हैं मैथ्स का, मैथ्स में जो इसको चेन रूल कहते यस हैं, ठीक है, हुआ है क्या? सर, आपने बताया था अच्छा मैथ्स में डेरिवेटिव नहीं हुआ अभी, सर, मैथ्स में नहीं है मैथ्स चेन चालू रूल, है नहीं है सर, सर, ट्वेल्थ वो नहीं में हुआ है, सर, फिर डेरिवेटिव हुआ है, यस डेरिवेटिव ठीक सर, है यस सर, चेन रूल नहीं है उसमें। ठीक, चलो ठीक है, हम लोग तो चेन रूल बोलते थे उसको, पता नहीं कुछ नाम चेंज किया होगा इसका, ट्वेल्थ ठीक में है वो, ओके मे बी, हाँ ठीक है, डेरिवेटिव भी ऐसा कर दिया, आधा इलेवन में आधा ट्वेल्थ में कर यस यस सर, दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट मतलब इनको कुछ एक भी क्वेश्चन करते हैं। बनाने के लिए अच्छे टीचर को रखना चाहिए एक्चुअली, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, पूरा डेरिवेटिव एक ही जगह पे हो तो अच्छा रहता है एक्चुअली, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप समझ गया आपको, अब यस बताइए नेक्स्ट पे क्या यस डाउट है, कुछ डाउट है नेक्स्ट? यस हाँ दैट गर्ल विल से शेरॉन आई थिंक राइट, यस सर, हाँ पढ़ो शेरॉन, सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ ठीक है ना, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0 सेकेंड, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए साइन 4 पाई टी फॉर एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए साइन 4 पाई टी फॉर जीरो लेस देन टी लेस देन 1/4, 1/4, यस 1/4 सेकेंड, हाँ ठीक है, ए ए इज ग्रेटर देन 0 ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू 0 फॉर टी ग्रेटर देन 1/4 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
the force at t equal to 1 by 8 second on the particle is 16 pi square am. एक बार वापस पढ़ो ऑप्शन. The force at t equal to 1 by 8 second on the particle is 16 pi square am. दूसरा ऑप्शन. The particle is acted upon by on impulse of magnitude 4 pi square am at t equal to 0. रुको रुको रुको. कॉम्प्लिकेटेड है. ये क्वेश्चन मिला क्या तुमको? ये लाइव सामने पूछ लेना वो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा. बहुत सारी चीजें हमें तो सुनाई दे रही, मतलब गुम हो रही है बीच बीच में. काम का नॉर्मल कोई इंग्लिश सेंटेंस वाला क्वेश्चन नहीं, ये बहुत मैथमेटिकल है. ये देखो मैं भी क्लास, मुझे कराने में कुछ इशू नहीं, मैं तो करा लूंगा. आधे स्टूडेंट को समझेगा भी नहीं कि क्या हुआ. बेटर ये क्लासरूम के लिए रख दो, लिख दो भले कि क्लासरूम में पूछूंगी, डोंट वरी. क्योंकि क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे अटक जाएंगे. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा सिंपल रखना पड़ेगा यहाँ पे. ऑनलाइन में ऑलरेडी तकलीफ चलती है, तो लेट्स कीप इट सिंपल. दूसरा कुछ पूछ लो भले चाहे तो, जिसमें थोड़ा प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंसेस हो. सर वो देख के मैं बताती हूं बाकी. सर फोटो भेज, या तो फोटो भेज दो, मैं WhatsApp पे आपको सॉल्व करके भेज दूंगा पर्टिकुलरली. यस सर. सर एक और क्वेश्चन है. बोलो. ए व्हीकल इज इन मोशन विद वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड. 14 अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड. If the coefficient of friction between the tires and the road is 0.4, what would be the shortest distance in which vehicle can stop? ठीक है, स्क्रीन पे देखो स्टूडेंट्स, जो अभी मैं कर रहा हूँ ध्यान से स्क्रीन पे देखो. ये भले एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, बाकी लोग भी देखो, एग्जाम में आ सकता है ये. यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा. देखो अभी ध्यान से देखो, सपोज ये गाड़ी है, व्हीकल जो ऑलरेडी चल रही है, इट्स ऑलरेडी मूविंग, इसकी वेलोसिटी जो है वो 14 मीटर पर सेकंड है. तो ये जो है ना इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब इस वेलोसिटी वो स्टार्टिंग में ही चल रही है. इसको u लेंगे, u इक्वल्स टू 14. अब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया सपोज, तो आपको मालूम है ब्रेक जब अप्लाई करते हो ना तो आपके टायर्स के ऊपर फ्रिक्शन लगता है, तभी वो ब्रेक अप्लाई होती है. तो ब्रेक अप्लाई करने में देखो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन ऐसा लगेगा टायर्स के ऊपर. आपको मालूम है फ्रिक्शन अपोज करेगा मोशन को, तभी गाड़ी रुकेगी ना. तो फ्रिक्शन ऐसा होगा. अब फ्रिक्शन देखो अपोज कर रहा है, इस फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पर गाड़ी जाके स्टॉप हो गई. तो स्टॉप होने से पहले इसने जो डिस्टेंस कवर किया ना, ये डिस्टेंस दिख रहा है, इसने कवर किया. सपोज ये डिस्टेंस एक एग्जाम्पल एस ले लेता हूँ. डिस्टेंस एस है ना, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस. स्टॉपिंग डिस्टेंस तो ये एस निकालना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. एक बार बताओ, जब गाड़ी में आपने ब्रेक लगाया तो मैंने देखो ये फ्रिक्शन दिखाया, ये फ्रिक्शन ऐसा लगेगा. ठीक है, आपको नहीं लगता कि फ्रिक्शन जो है इट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल ना ड्यूरिंग दिस जर्नी? यस यस. जिनको लगता है कि सर mg फोर्स जो है, ये देखो mg ऐसा होगा, mg विल बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन mg तो कैंसिल हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन से. जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है, जो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, वो कौन सा लगेगा बॉडी के ऊपर? आपको गिवन है यहाँ पे 0.4. एन जो है ना, एन को आप एम जी ले लो ना. एन किसके इक्वल होगा? एम जी के इक्वल होगा. देखो तो इस बॉडी की एक्सेलरेशन मिल रही है 0.4 इंटू जी. जी में 10 ले लेता हूँ, जी वाले 10 ले लेता हूँ. ये देखो कितना है, एक्सेलरेशन नहीं है, ये डी एक्सेलरेशन है, माइनस में लेना चाहिए. देखो दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, ये वेलोसिटी के अगेंस्ट लग रहा है ना फ्रिक्शन, तो yes. ये फ्रिक्शन से तो स्पीड कम ही होगी, रिटार्डेशन ही होने वाली, और बॉडी यहाँ पे जाके स्टॉप हो गई. तो कोई बोल नहीं सकता कि इस पाथ में बॉडी ने एक्सेलरेट किया है ना कि डी एक्सेलरेट किया. एक्चुअली डी एक्सेलरेट माइनस में ले लेना क्योंकि स्पीड कम हो रही है. इसके बाद बस आप खाली ये फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. गाड़ी की फाइनल स्पीड कितनी है? 0 0. इनिशियल स्पीड 14 डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे जनरल फॉर्मूला बनानी है. मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, उसमें आप लोग बाद में 14 डाल देंगे. फॉर्मूला बनाते हैं पहले. U आपको U ही रखो, बट U एक्चुअली 14 है.
एक्सेलरेशन का माइनस टू ए ले लेता हूँ. देखो मैंने एक्सेलरेशन को माइनस में ऑलरेडी ले लिया, दिख रहा है? Yes. लेकिन फोर में बाद में डालूंगा. देखो एक्सेलरेशन एक्चुअली में फोर है, फोर में बाद में डालूंगा एस. तो देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो. एस की आपको फॉर्मुला आएगी यू स्क्वायर बाय टू ए. तो दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टॉपिंग डिस्टेंस. कितनी? यू स्क्वायर बाय टू ए. तो यू का 14 डालो अभी. देखो यू को मैंने 14 डाला और एक्सेलरेशन को 4 डाला. ये देखो 14 का स्क्वायर 196. ठीक है, कोई भी सॉल्व कर. ब्लर हो गया बाकी लोग? बता ब्लर हो गया? नो सर, नो. भाई बाकी तो बोल रहे ब्लर नहीं हुआ है, तो थोड़ा देख लो अपने सबसे. तो एस 196 बाय 8 तो सॉल्व कर आपका एस आ जाएगा. समझा ये क्वेश्चन? Yes, 24.5 meter. 5. Answer में 25 है. अभी जिसने doubt पूछा ये, इसका नाम क्या आपका बेटा? शुभम. शुभम पाड़ी ना, right? वही है ना? Yes. ठीक है. तो अभी शेरन और शुभम ने एक एक doubt पूछ लिया है, वो वापस भी आप पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं है. सर मेरे को doubt. नहीं एक एक मिनट रुको शेरन, आप हो ना, एक मिनट रुको खाली. Yes. ठीक है. और किसी को doubt है क्या फिलहाल? Yes, sir. हाँ. बोलो कौन है नाम? किंजल. किंजल ठीक है. A man pushes a wall and fails to displace it. He does a negative work, B no work, C positive work but not maximum work, D maximum positive work. आपको याद होगा मैंने जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किया था, वर्क वगैरह भी बताया था, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वगैरह. ठीक है, ये देखो. यस, एक पर्सन है जो इस पे ऊपर देखो फोर्स लगा रहा है. किसके ऊपर? वॉल के ऊपर. लेकिन आपको मालूम है वॉल तो हिलेगी नहीं. हिलेगी क्या? नो. तो एक बात, ये जो पर्सन है फोर्स लगा रहा है, देखो ऐसे लगाएगा फोर्स. वो मैं फोर्स तो ले लेता हूँ, एफ. एफ इज अ फोर्स अप्लाइड. लेकिन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल? जीरो. 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 वर्कडन कितना आना चाहिए? जीरो. 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 किंजल आंसर जीरो दिया हुआ है? यस सर, वो सी और डी ऑप्शन समझा नहीं. अच्छा, क्या है सी ऑप्शन? पढ़ो. पॉजिटिव वर्क बट नॉट मैक्सिमम वर्क, और डी में मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क. जब वर्कडन जीरो आ रहा है तो उसको मैक्सिमम वर्क पॉजिटिव वर्क ऐसा क्यों बोलोगे? जब जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, खत्म ना. जीरो नेगेटिव भी नहीं होता है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता है. यू नो जीरो को ना नेगेटिव बोल सकते हैं ना पॉजिटिव. जीरो जीरो होता है. जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ठीक है, तो जीरो आ गया तो बात ही खत्म हो जाती है. जब ऑप्शन था जीरो, खत्म हो गया. ऑप्शन सी और डी है ही नहीं ना, गलत है. गलतों को अभी क्या समझेंगे बैठ के कि क्यों गलत है वो. जब ऑप्शन जीरो आ रहा है तो दैट्स इट, जीरो ही आ रहा है. ओके सर, थैंक यू. बाकी लोग को समझा क्या? सर स्प्रिंग बैलेंस क्वेश्चन ही आता है. स्प्रिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा सा स्प्रिंग की जो थियरी है वो हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर होता है, आगे चल गया. ऑसिलेशन, ऑसिलेशन चैप्टर में हम लोग स्प्रिंग के क्वेश्चन ज्यादा करते हैं. हाँ यस सर, स्प्रिंग का क्वेश्चन बहुत मीठा. करवा सकता हूँ. स्प्रिंग में एक फोर्स होता है kx करके, मालूम है क्या स्प्रिंग फोर्स kx? नो सर. नो नो, वही इशू है ना, थोड़ा ऑसिलेशन में हम लोग रखते हैं. सर कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? Concurrent forces. Concurrent. अगर सारे forces एक ही line से pass हो रहे हैं, सारे forces एक point से pass हो रहे हैं, तो उनको concurrent कहेंगे ना. Concurrent line मालूम है क्या? Concurrent lines maths में. No. ठीक है, एक काम कर, ये screen पे देख. एक point है, suppose एक force ऐसे pass हो रहा है, दूसरा force ऐसे आ रहा है, एक force ऐसे आ रहा है. ठीक है, सारे forces अलग अलग directions में हैं, लेकिन सबके सब एक point से pass हो रहे हैं क्या at least? Yes. हाँ, तो इनको concurrent कहा जाएगा. They are indeed concurrent. ये सब concurrent है. All the forces which passes through one point or meet at one point उनको concurrent कहा जाता है. एक point से pass होने ही चाहिए वो, तो concurrent होते हैं. Similarly, अगर बहुत सारे lines हैं, lines भी एक point पे intersect करेंगी उसे. वही देखो ऐसे, ये सब lines में देखो एक खास बात है कि सब एक जगह पे मिल रही हैं. Yes. ठीक है, पढ़ो.
अब आप बोले नाम क्यों पूछ रहे हैं सर आज बैठ के, नाम इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक ही स्टूडेंट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी लोग का भी कवर होना चाहिए, दैट्स ओनली इंटेंशन। पढ़ो बताओ निकिता, रीड करो। A given object takes n times as much time to slide down a 60 degree rough incline as it takes to slide down a perfectly smooth 60 degree incline. The coefficient of kinetic friction between the object and the incline is given by. आपने वो जो starting में बोला n times बोला क्या, कितने times बोला वो starting में? N times. है ना? Yes. ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ जब फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन और इंक्लाइन पे, अभी दो तीन दिन पहले कराया था उसमें कराया था। स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ये जो बोल रही है वो यही है क्या, देखो टाइम टेकन ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन इज एन टाइम्स टाइम टेकन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ये करके हमने एक म्यू की फॉर्मूला बनाई थी, म्यू कमिंग टू बी 10 थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर सब कुछ। यस सर यही आंसर है। यस सर यस यस ये मैंने कुछ दिन पहले करवाया है फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन नॉर्म के टॉपिक में। अगर मैं आपको नोटबुक में दिखा दूं, ये देखो आपकी नोटबुक ही है जिसमें आप करते हो ना, वही नोटबुक है ये। इसमें देखो ये देखो मैं करवा चुका हूँ, याद है ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी फ्रिक्शन जब हमने थियरी डिस्कस की थी ना उसमें करवाया है, आई होप आपने अटेंड किया होगा। तो ये वही क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड खाली आंसर पूछा है, करवाया मैंने ये अभी। यस ठीक है, और किसी को डाउट है? सर एक क्वेश्चन है, दो इंक्लाइन प्लेन है उसमें से दो स्फीयर रेस्ट में एक दूसरे के ऊपर है। सर क्वेश्चन रीड करता हूं, टू स्फीयर्स रेस्ट अगेंस्ट इंक्लाइन प्लेन्स शो इन फिगर, व्हाट विल बी द रिएक्शन कांटेक्ट पॉइंट्स पी एंड आर इफ रिएक्शन एट पॉइंट क्यू। एक मिनट रुक रुक रुक, इंक्लाइन प्लेन ऐसे हैं और स्फीयर ऐसे हैं क्या? यस सर ऐसे ही है, एक 30 डिग्री का एक 60 डिग्री का। यस फिर यस उसके बाद क्या है? जो ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो स्फीयर है ना वो बड़ा है और छोटा वाला ये है। देखो ये डायग्राम होगा ना, डायग्राम भी होगा ना। यस डायग्राम बेटर क्लास में पूछ लेना क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन तकलीफ होगी ये सबको करने में, बाकी लोग को समझेगा नहीं। और रख दो इसको, अगर मैं आपको हिंट दे देता हूँ भले चाहिए तो, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन की हिंट दे दूँ आप करने की ट्राई करोगे? यस सर किया था एक बार, नहीं हो रहा इससे। हाँ तो मैं हिंट दे रहा हूँ ना बाबा, सुन तो सही पहले, मैं हिंट दे दूँ फिर ट्राई करेगा वापस? यस अगर सिंपल बोलूँ तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फिर आप अपने एफर्ट्स डालोगे थोड़े बहुत करने के लिए, बस उतना ही है। यस सर ठीक है, ये देखो ये दोनों बॉल्स का एम जी ऐसा होगा, अब किसका कितना मास है मुझे मालूम नहीं, वो तुमको जज करना होगा, ये एम कितना है ये एम कितना है। yes. इसके बाद ये नॉर्मल रिएक्शन होगा गिवन बाय फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन और ये है नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय सेकंड इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, और ये दोनों बॉल्स आपस में भी तो कॉन्टेक्ट में ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर भी ये फोर्स एग्जर्ट करेंगे, दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऊपर प्रेस करेंगे ना। ये नॉर्मल रिएक्शन देख, ध्यान से डायग्राम को देख, ये जो एन एन लिखा है दोनों साइड, देख मैंने एन एन लिखा है, ये एन एन जो है वो दोनों बॉल्स के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स है एन और एन। लेकिन जो एन वन एन टू है, एन वन एन टू भी लिखा है मैंने, एन वन एन टू इज अ रिएक्शन गिवन बाय द इंक्लाइन प्लेन्स टू द बॉल्स, दिख रहा है? तभी डायग्राम देख के बता किसी भी बॉल को उठाओ, किसी भी बॉल पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तीन फोर्सेस लग रहे हैं, थ्री फोर्स लग रहे हैं, थ्री। देखो चलो मैं एक ले लेता हूँ, तो ये एन है और ये एस है। अब देख इसमें जो एन वन फोर्स है ना, ये देखो मैंने इधर डायग्राम बना लिया ऐसा। यस अब इसमें जो ये एंगल होगी ना, एंगल मेड बाय एन वन विथ वर्टिकल, ये एंगल वही होगी जो यहाँ वाली एंगल होगी सब, ये एंगल 30 है, इधर भी 30 बनेगी, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। क्यों बनेगी वो थोड़ा खुद जज करना, मैंने बताया पहले। yes, ये 30 बनेगी। okay, और ये जो एन है ना, ये एन ये भी कितनी एंगल यहाँ पे बना रहा है इसको फाइंड करने का कुछ ना कुछ तरीका रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होगा जिससे आप इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हो। सपोज आपने ये एंगल भी फाइंड कर लिया और ये 30 भी फाइंड कर लिया, एम जी तो सीधा वर्टिकल नीचे होगा, उसके बाद करना क्या होगा, ये फोर्सेस को तुम रिजोल्व करो, एन वन को ऐसे रिजोल्व किया दो कॉम्पोनेंट्स में
एन टू, ये जो एन है इसको भी रिजोल्व करेंगे दो कॉम्पोनेंट्स में. फिर आप क्या करेंगे, ऐसा ले सकते हो क्योंकि ये बॉल रेस्ट पे है ना, तो राइट फोर्स ऑन द राइट साइड एंड द फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड विल बैलेंस ईच अदर. क्योंकि ये रेस्ट पे है तो अपवर्ड फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्सेस. यस, ऐसे करके आपको, ऐसे करोगे तो कितनी इक्वेशंस आप बना सकते हो ऐसे करके एक बॉल के लिए. यस, थ्री. अरे भाई दो इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन आपकी बनेगी व्हेन यू टेक राइट साइड फोर्स एंड लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए एक बनेगी ना, वर्टिकल के लिए. यस यस इक्वेशन. और ऐसा ही जो दूसरा एक बॉल है उसके लिए भी वैसा ही कर सकते हैं कॉन्सेप्ट. यस यस, और दो इक्वेशन बनेंगी. टोटल कितनी इक्वेशन बनेंगी, चार चार फोर. और आपके अननोन पता है तीन ही है, अननोन तीन है, एक एन है और एक एन वन है और एक एन टू है. यस, अगर चौथा भी कोई अननोन दे दिया उन्होंने, सपोज कोई चौथा भी अननोन है, सपोज ये थीटा भी एनी हाउ अननोन ही है, तो चौथा अननोन थीटा हो जाएगा. तो चार अननोन और चार इक्वेशन से काम चल सकता है ना. यस यस, ये खाली हिंट था, अभी करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन करोगे? यस यस सर, यस. नहीं तो फिर क्लासरूम में पूछ लेना, थोड़े दिनों में जब चालू होगा तब पूछ लेना, ठीक है? हाँ चलो, और किसी को कोई डाउट है? सर, ग्रेविटेशनल मास और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास नाम की कोई चीज नहीं होती है. The mass of a body which is equal to the ratio of force acting on a body to the acceleration produced in the body is A. gravitational mass, B. electromagnetic mass, C. internal mass or D. inertial mass. Answer D. inertial mass. है ना? Yes. तो जब आंसर डी है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास क्यों बोल रहे थे? वो ऐसे नाम की कोई चीज ही नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास. अच्छा, वो ऑप्शन में दिया इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में है. ऐसा ये उन्होंने कुछ इमेजिनरी नाम बना दिया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास नाम की कोई चीज नहीं होती है. ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास, ये दो चीजें होती है. क्या है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. न्यूटन थे ना, न्यूटन ने ये ग्रेविटेशन वगैरह डिस्कवर किया था ना, तो उस टाइम पे न्यूटन ने ऐसे बोला था कि मास दो टाइप के होते हैं. There are two types in the masses. एक होता है gravitational mass और एक होता है acceleration inertial mass. ठीक है, लेकिन बाद में उसने realize किया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि उसने बाद में realize किया कि एक ही mass होता है, वो gravitational भी है वही inertial भी है. मतलब देखो, किसी न्यूटन ऐसे मानते थे उस टाइम पे, न्यूटन ऐसा थोड़ा दिन मानना था कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल मास है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास इनर्शियल मास है, ग्रेविटेशनल नहीं है. किसी के पास ग्रेविटेशनल मास है, किसी के पास इनर्शियल मास है. मास दो प्रकार का होता है ऐसे मानता था वो. बाद में उसको रियलाइज हुआ नहीं, ये गलत है, मास एक ही टाइप का होता है, विच इज मास, नथिंग एल्स. तो बाद में ग्रेविटेशनल इनर्शियल दोनों टाइप बंद कर दिए गए, बस एक ही बना दिया गया मास. आपने कभी सुना है कि मास के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव मास नेगेटिव मास, ऐसा सुना है? नो, नहीं होता है. हायर फिजिक्स में जाएंगे तो होता है, अभी तुम्हारे लेवल पे तो नहीं है. हायर फिजिक्स में ऐसा होता है, डार्क मैटर होता है और लाइट ब्राइट मैटर होता है. डार्क मैटर, यस, वो अलग चीज है, वो अभी उस पे तो नहीं जाएंगे हम लोग, डार्क मैटर वगैरह. लेकिन आपने अभी स्कूल लेवल में अभी तक अभी सुना नहीं होगा कि पॉजिटिव मास है नेगेटिव मास है, सुना है क्या? नहीं ना. नो. हाँ, तो मास एक ही टाइप का होता है. न्यूटन ने पहले गलती की थी, उसने माना था कि मास में भी दो टाइप होते हैं. वो क्या सोचता था कि जैसे चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, तो वैसे सोचता था कि शायद मासेस में भी दो टाइप होते हैं. बाद में वो समझ गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मास एक ही टाइप का होता है. तो ग्रेविटेशनल और इनर्शियल एक ही है. खाली थोड़ा अगर मैं बताऊं न्यूटन ने इनर्शियल मास किसको बोला था और ग्रेविटेशनल मास किसको बोला था, तो इधर देखो एक मिनट. एक है इनर्शियल मास, दूसरा ग्रेविटेशनल मास. ये क्या होता है, ध्यान से देखो. सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी पे तुमने ऐसा फोर्स लगाया, ये तुमने फोर्स लगाया, तो आपको क्या लगता है, बॉडी एक्सेलरेट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी. ठीक है, तो इसमें आपको रिलेशन ये मालूम है, F equal ma. तो न्यूटन ने कहा था कि इसमें देखो कोई अर्थ की ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है. हियर वी आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट. ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है, इसे आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, F equal ma. इसमें से आपको जो ये m मिलेगा ना, ये m को नाम दिया जाता है इनर्शियल मास. इस फॉर्मूले से एम मिलेगा वो कौन सा होता है, इनर्शियल मास. इनर्शियल मास. ग्रेविटेशन मास क्या होता है, ध्यान से देखो. सपोज ये अर्थ है,
और ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बताया था मैंने, अर्थ है और ऑब्जेक्ट है, आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? यस यस ये जो फोर्स लगता है ना, इस जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल सकते हैं इस फोर्स को. आपको न्यूटन लॉ याद होगा, जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर. यस लेकिन इस फोर्स को हम लोग एम जी भी करके लिखते हैं, एम जी भी मतलब जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है एम इन टू जी भी लिख सकते हैं. तो न्यूटन का मानना था कि इस फॉर्मूला से जो एम मिलेगा ना, ये एम को ग्रेविटेशन मास बोला उसने, और इधर से जो एम मिलेगा वो इनर्शियल मास. बोलेंगे सब फर्क क्या है इसमें, ये जो एफ है ना, इट्स अ फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन द अर्थ, एक्टिंग ऑन द बॉडी. और ये एफ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स है. तो ये दोनों फॉर्मूला एक ही है एक्चुअली, बताए दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. खाली ये जो एफ है ये आप लोग लगा रहे हो फोर्स, और ये जो फोर्स है वो अर्थ लगा रही है क्या, ये वाला? Yes. दोनों एक ही है, दोनों एक्चुअली में पता है दोनों फॉर्मूला रेसिकल एम ही है और कुछ नहीं है. लेकिन न्यूटन ने सोचा शायद इससे एम अलग आता होगा और इस फॉर्मूला से जो एम निकालेंगे वो अलग आता होगा. लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं उसको बाद में, तो उसने बाद में बोल दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनर्शियल और ग्रेविटेशन मास एक ही होता है, नॉट डिफरेंट. बस थोड़ा याद रखो कि दोनों एक ही होते हैं, दैट्स इट. यस चलो और कुछ है डाउट? Do you have any other questions? Tell me. Anybody? Sir. Go on, Sharon. Yes. एक मिनट रुको शरण, एक मिनट खाली. 105 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 105 में से क्या शेरॉन ने ही खाली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है क्या? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? शेरॉन मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ, डोंट वरी. पहले मैं थोड़ा ओरल्स ले लेता हूँ, मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसका नाम लूंगा वो स्टूडेंट आंसर देगा. ओके ठीक है, बी रेडी. मैं कुछ क्वेश्चंस जिसका नाम लूंगा वो आंसर देगा. दस लोग कम हो गए, 95 हो गए. ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट. अभी मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है. श्रावणी चौहान, श्रावणी चौहान. एक मिनट माइक ऑन करो बेटा. श्रावणी चौहान मैंने देखी है उनकी. मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे लेक्चर्स बैठो या आप नहीं बैठ रहे हो, उनकी उनके मैं वो बता रहा हूँ, क्वालिटीज बता रहा हूँ. दूसरी उनकी एक हैबिट और होती है, वो कभी एक्सक्यूज दे ही नहीं पाते. उनका कभी भी इंटरनेट कनेक्शन बंद नहीं होता है, या कभी वो बीमार नहीं पड़ते हैं, या कभी बोलते नहीं कॉलेज का जर्नल कंप्लीट करना था, या कभी ऐसा बोलते नहीं कि सर कॉलेज में टेस्ट था, या कभी ऐसा भी नहीं बोलते क्लास में टेस्ट था इसके लिए मैं नहीं कर गया. इन सबको मैं एक्सक्यूज बोलता हूँ. एक्सक्यूज भी कभी नहीं देते हैं और कभी एब्सेंट भी नहीं देते, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो. हो सकता है शायद वो बहुत हेल्दी बच्चे होते हैं, ना कभी वो बीमार पड़ते हैं, ना या उनका इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत हेल्दी होता है, ना उनका कभी इंटरनेट जाता है, ना बीमार पड़ते हैं, ना उनकी शादी होती है खानदान में किसी की, ना वो कहीं गांव जाते हैं, कुछ नहीं करते, पता नहीं क्यों. और मैंने देखा यही जो बच्चे होते हैं ना विच आर हैविंग नॉट एक्सक्यूजेस एंड नॉट इवन एब्सेंसी, वही सारे बच्चे 2-3% होते हैं और वही सारे रैंक निकाल के निकल जाते हैं आगे. ठीक है समझा गया क्या बोला मैंने? तो इसको अगर मैं एक सेंटेंस में फ्रेम करूं तो कैन आई से सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव एक्सक्यूजेस. कैन आई से? अब थोड़ा समझ के ले लो. तो जो क्रिस्टन का इंटरनेट कनेक्शन चला गया, वो ऑफलाइन चला गया, या जो बच्चे जो भी अभी एक्सक्यूज दे रहे थे वो समझ जाओ. अभी आप 96-97% में आते हो, 2-3% में नहीं आते हो आप. इट्स ओके, योर विश. ठीक है बाकी लोग चलो बताओ और कुछ डाउट है बोलो. यस सर एक डाउट है. हाँ बोलो. ए 60 केजी बॉडी इज पुश्ड विद जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस द फ्लोर एंड द सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट आफ्टरवर्ड्स द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन are 0.5 and 0.4 respectively.
the acceleration of the body is. स्टूडेंट यहाँ पे देखो अच्छा क्वेश्चन है. लुक एट द स्क्रीन. हाँ ध्यान से देखो. मैं क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ सबको. ये देखो स्क्रीन पे देखो प्लीज. ये एक ब्लॉक है जिसका मास 60 किलोग्राम है. ऐसे फ्लोर पे रखा हुआ है. स्टार्टिंग में ये ब्लॉक चल नहीं रहा है. चलने के लिए हम उसको ऐसे फोर्स लगाएंगे. जब आप ऐसा फोर्स लगाओगे तो आपको याद है स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसके ऊपर लगेगा ना इसको रोकने के लिए. अपोजिट डायरेक्शन में. हाँ अभी मूव ही नहीं हो रहा है. सपोज इट्स नॉट मूविंग तो मैं अपना फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन भी अपने आपको बढ़ाएगा. Yes. अपना फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन भी बढ़ाएगा. और मैंने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये चलना शुरू कर ही देगा. ठीक है इसमें आपको मालूम है फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो म्यू एस एन जाएगी. म्यू एस एन. ठीक है तो एक बात जब ये ऐसे जस्ट चलना शुरू करेगा जस्ट ऐसे स्टार्ट किया उस टाइम पे सपोज मेरा फोर्स एफ है. एफ फोर्स पे इसने जस्ट ऐसे चालू किया चलना. ठीक है आपको लगता है कि ये जो F force है it will be almost equal to mu sn or no? जब yes, चलना शुरू yes, yes. Yes. Greater than equal to. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो block just starts moving. मैं लिख रहा हूँ block just starts moving when the F जो force है उसका वो इतना होगा. कितना mu sn. ठीक है उसके बाद अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो F force है ना जिस पे ये स्टार्ट हुआ ये फोर्स को हम लोग कम नहीं कर रहे. ये फोर्स हम लोग लगाते रह रहे हैं कंटिन्यूअसली वी आर अप्लाइंग. तो ब्लॉक चलना शुरू कर देगा ना इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन पूछी है फिर हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. और ये देखो म्यू एस 0.5 दिया और म्यू के कितना दिया है 0.4 दिया. 0.4. ठीक है तो एक बार वापस मैं पूछ रहा हूँ कितने फोर्स पे वो चलना शुरू करेगा एटलीस्ट हाउ मच फोर्स यू हैड अप्लाई. म्यू एस एन. चलो आगे बढ़ो. मैं देखो म्यू एस की वैल्यू 0.5 दी गई है तुमको. एन को आप एम जी लिख सकते हो याद है. यस यस. ये देखो म्यू एस 0.5 एम को मैंने 60 किलोग्राम डाल दूं. एम उसका 60 है. जी 10 ले लो. 10 ये प्लीज आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं. 300 तो मतलब आप कितना फोर्स लगा रहे हो इस ब्लॉक के ऊपर. 300 न्यूटन लगा. 300 न्यूटन. बाद में भी हमने इस फोर्स को कम नहीं किया. हम लोग कंटिन्यूअसली लगा रहे हैं. देखो कंटिन्यूअसली लग रहा है. ब्लॉक हैज स्टार्टेड मूविंग. देखो ब्लॉक ने मूविंग चालू कर दिया है लेकिन हम लोग तभी भी ये 300 लगा ही रहे हैं. तो एक बार अभी बॉक्स चलने लगेगा 300 अभी भी मैं लगा रहा हूँ. अब इस बॉक्स के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन है. काइनेटिक फ्रिक्शन. यस काइनेटिक फ्रिक्शन. म्यू के म्यू के इनटू एन. तो एक बार अभी बॉक्स अभी भी चल ही रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया. अब मैं अगर पूछूं बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है आप बोलोगे 300 माइनस म्यू के एन. माइनस म्यू के एन is equal to ma. net force ko likho body ka mass into ma. ye apko a nikalni hai bas aur kya. yes chhod dunga abhi kar paoge aage. yes sir. yes khatam ho gaya. theek hai aur koi doubt hai kisi ko. yes yes sir. yes yes nahi nahi शरण एक मिनट रुको. शरण रुको. देखो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बाकी स्टूडेंट भी कवर होने हैं. ठीक है डोंट वरी. इसके बाद आप शरण पूछेंगे. इसके बाद चलो एक कोई और दूसरा लड़का पूछ लो जो है. लोकेटेड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू एंड यूनिफॉर्म सर. सुनो सुनो पहले माइक से थोड़ा दूर जाओ. जोर से आवाज आ रहा है बहुत. थोड़ा माइक से 2-4 सेंटीमीटर पीछे जाओ. हां माइक में आगे मत बोलो. Locate the center of mass of the system of two uniform spherical masses of 5 kg and 35 kg kept with center 70 centimeter apart. बस और कुछ दिया? नहीं इतना ही दिया सर. मैं एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूँ. He is saying locate the center of mass of the two spheres of masses 5 kg and 35 kg separated by the centers by the distance of 70 centimeter. The screen पे देखो आपको ये दिख रहा है दोनों balls हैं 5 kg का 35 kg का और इसमें कितना distance 70 centimeter. 70. एक बार इसमें आप ये जो एक body है 5 kg एक body है और 35 kg दूसरी body है. Yes. लेकिन इन दोनों को मिला के मैं एक system ले सकता हूँ. तो दोनों मिला के आप एक system ले लो. तो ये सिस्टम आपको क्या लग रहा है? ये कंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ बॉडीज है कि डिसकंटीन्यूअस सिस्टम है? क्या लग रहा है? कंटीन्यूअस. कंटीन्यूअस.
कंटिन्यूअस है, मतलब 5 केजी का ऑब्जेक्ट जहां पे खत्म हुआ उसके बाद आगे और ऑब्जेक्ट्स मिलते जा रहे हैं, आपको गैप नहीं आ रहा ना बीच में। सर डिसकंटिन्यूअस है, आपको 5 केजी दिख रहा है उसके बाद गैप है फिर 35 केजी है, ओके तो ये कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक मास लगे होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है सर। हाँ बोलो सर, ये दोनों मास मतलब कोई रॉड से जॉइंट नहीं है ना? नहीं 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 है, ठीक है, तो इज इट डिसकंटिन्यूअस ना? यस यस, ठीक है। इनको अभी देखो स्फेरिकल मानने की भी जरूरत नहीं है, मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है। इनको स्फेरिकल भी मत मान तो भी चलेगा। देखो इधर आप एक पार्टिकल ले लो, ये पार्टिकल है 5 केजी का, और ये दूसरा पार्टिकल ले लो, ये 35 केजी का। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो इनका जो सेंटर ऑफ मास है ना बीच में कहीं पे होगा, लेट्स से इधर है सेंटर ऑफ मास, देखो दोनों के बीच में कहीं आता है सेंटर ऑफ मास, इधर है। अब देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है ना इसका 5 केजी से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 केजी वो x है, तो सेंटर ऑफ मास का 35 केजी से 70 माइनस है, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाद में मैं प्रूफ करके भी देता हूँ फॉर्मूला कैसे आई, डोंट वरी, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। इज इट अ केस ऑफ is it the case of center of mass of the two particle system? Center of mass किसका निकला? दो particles का ही system है कि कितने particles का system? Two particles. तो देखो एक formula direct बता रहा हूँ, फिर मैं आपको proof करके भी देता हूँ। पहले direct formula बता रहा हूँ, center of mass of system of two particles है ना ये खाली। इसमें एक formula देखो, m1 x1 is equal to m2 x2. That's it. अब इसमें M1 और M2 तो आप समझ गए होंगे दो पार्टिकल्स हैं। X1 और X2 जो है ना, X1 और X2 जो है, X1 और X2 ये है, ये X1 है और ये X2 है। X1 X2 is the distance of the particle from center of mass. पहले पार्टिकल का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास है वो X1, दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास X2। M1 X1 इक्वल टू M2 X2। डोंट वरी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मज़ब करो, ये फॉर्मूला मैं आपको, डोंट वरी, मैं प्रूफ करके देता हूँ। समझा क्या? लेकिन क्या बोला मैंने? यस एक बात, अगर ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यूज करूं, पहले ये डायरेक्टली यूज करके मुझे आंसर निकालने में इंटरेस्ट है, डायरेक्टली मैं यूज करूं तो m1 कितना डालोगे? 5 kg, 5 into x1 x1 की जगह x ही लिखोगे ना, ये x, यस यस, m2 35 into 70 minus x, 70 minus x, 5 के टेबल 35 पे लगाओ, 7 टाइम 7 ऐसा होगा कि देखो, बराबर है? Yes. ये मत पूछना कैसे हो रहा है ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। एक काम करो, पहले ये करके आप सॉल्व करके x तो निकाल लो, कर पाओगे ये? पहले कर लो, फिर मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ, ठीक। फिनिश टिल दिस, और ये डिवीजन सॉल्व करके प्लीज x निकालो आप लोग पहले। जो दिया है, ठीक है, तो सर थ्री पार्टिकल्स रहेगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है? कितने पार्टिकल्स? थ्री पार्टिकल्स रहेगा ऐसे ही, थ्री पार्टिकल्स है तो भी वैलिड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है वैलिड, लेकिन x1 x2 x3 आ जाएगा ना, x1 x2 x3 will be distance of each particle from the center of mass, बराबर? पर तीनों भी इक्वल रहेगा क्या? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, तीनों अलग अलग होंगे, यहाँ पे कौन से इक्वल है? एक 5 नहीं नहीं नहीं, m1 x1 equal to m2 x2 equal to m3 x3 ऐसा नहीं, उसमें फॉर्मूला अलग आती है, उसमें फॉर्मूला आती है m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 equal to 0। Yes. तो सुनो, पहले मैं आपको ये पहले दो पार्टिकल की करा देता हूँ। देखो
को लग रहा है कि सर ये फॉर्मूला का खाली डेरिवेशन चाहिए हमको, या आई कैसे? ठीक देखो, ये आपका सपोज पहला पार्टिकल है m1, ये दूसरा पार्टिकल है m2, ठीक है। m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये आपको डिस्टेंस दिख रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो r ले लेता हूँ मैं, r। ये सपोज दोनों के बीच में इनका सेंटर ऑफ मास है, सी एम इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का ही सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब आपको ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूँ एक्स वन, ये जो डिस्टेंस है एक्स टू ले लेता हूँ, ये था ना ऐसा कुछ, ठीक है। एक बार बताओ यहाँ पे मैं ओरिजिन मुझे फिक्स करना है, तो ये काम करो मैं ओरिजिन इसको ले लेता हूँ, इसको ओरिजिन लेता हूँ मैं। सपोज अगर ये ओरिजिन है, मतलब एम वन कहाँ पे लाया कर रहा है, ओरिजिन पे लाया कर रहा है, तो एम वन के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे ना, यस। कोई बता सकता है अगर ये जो एम वन है, एम वन पे ओरिजिन है, तो कोई बता सकता है ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे फिर? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? x1, 0, x1, 0। ओरिजिन से ये कितना दूर है? x1 डिस्टेंस पे दूर है ना? यस। कोऑर्डिनेट होंगे ये देखो x1, 0। ये जो m2 है इसके कोऑर्डिनेट x2, 0, x1 + x2, 0, r, 0। r भी लिख सकते हो या x1 + x2 भी लिख सकते हो ना? Yes. अभी बाद आपको ये फॉर्मूला याद होगी, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m1 x1। यस, अगर दो ही पार्टिकल्स हैं तो मैं खाली m2 x2 तक ही लिखूंगा ना, m1 + m2। यस, फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, ये सब वैल्यूज डालेंगे। लेट्स सी, ये क्या है x कोऑर्डिनेट ऑफ ये वाला सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास x1। अब ये x1 क्या होता है पता है? ये x1 क्या होता है? This x1, if you see, it's the x coordinate of the first particle. ये first particle का x coordinate क्या है? Zero. तो ये x1 zero आएगा. M2 second particle. X2 is a x coordinate of the second particle. Second particle का x coordinate. x1 + x2. Divide by m1 + m2. समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes. देखो ये टर्म आपका जीरो हो गया, m1 × 0 हो गया, क्योंकि फर्स्ट मास जो है वो आपने ओरिजिन पे रखा था ना, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। तो ये देखो ये एक इक्वेशन आ रही है, इसको मैं आपको एक सजेशन दूंगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, ब्रैकेट सॉल्व करो, आप उसके बाद क्या करो, x1 के टर्म्स एक तरफ रखो, x2 के टर्म्स दूसरी तरफ रखो, देखो क्या रिजल्ट आ रही है। कैन यू सॉल्व इट फर्दर? यस, सॉल्व करो, m1 के टर्म्स एक तरफ लेके जाओ, m2 के टर्म्स मतलब M1 X1 वाले टर्म एक तरफ लेके जाओ, M2 X2 वाले टर्म दूसरी तरफ लेके जाओ। पर M2 X1 वाले उसको भी आप X1 की तरफ ही लेके जाओ, X1 एक तरफ करो, X2 दूसरी तरफ करो। यस, तो जिनका अभी नहीं आ रहा है देख लो, मैं भी कर देता हूँ यहाँ पे ऐसा है, x1 0 जो पहला मास था ना m1, हाँ वो ओरिजिन पे था ना पहला मास, m1 जो था वो ओरिजिन पे था, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना हुआ पहले मास का? 0 हुआ ना? 0 0। ये देखो इसको सॉल्व करो, ये आपका देखो आया होगा शायद, ये एक्सप्रेशन यही था, इसको थोड़ा सॉल्व करने को बोला मैंने आपको। तो पहला टर्म आ रहा है m1 x1 + m2 x1 = m2 x1 + m2 x2, जो आपने बोले थे m2 x1 वाला टर्म है वो कैंसिल हो रहा है दोनों साइड, कैंसिल। यस, यही आ रहा है ना, देखो m1 x1 = m2 x2 नहीं, यस यस यस, यही मैंने आपको फार्मूला बताई थी। तो ये फार्मूला आप अपने एंट्रेंस के नोटबुक में कहीं लिख लेना, शॉर्टकट फार्मूला, दैट अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स m1 m2, तो आप उसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, m1 x1 = m2 x2। जिनको डायग्राम चाहिए इस शॉर्टकट के लिए, अगर आपको डायग्राम चाहिए शॉर्टकट को दिखाने के लिए, तो ये है देखो, एक चीज मैं और बता देता हूँ इसमें, ये कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस किया, इज इट सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम ना, दो पार्टिकल का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास है ये। ये सेंटर ऑफ मास ज्यादा हैवियर पार्टिकल की तरफ होता है, m1 m2 में से जो हैवी होगा
उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है. एक पॉइंट लिख दो इसमें चाहिए तो, सीएम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम शिफ्ट मोर टुवर्ड्स द हेवियर पार्टिकल, शिफ्ट मोर टुवर्ड्स द हेवियर पार्टिकल. सेंटर ऑफ मास ज्यादा हेवियर की तरफ जाता है. ऐसे सुना है आपने कभी पहले? यस सर, एक्सपीरियंस भी किया. सेंटर ऑफ मास हेवियर की तरफ ज्यादा होता है. सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द हेवियर बॉडी. ठीक है, सो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया स्टूडेंट का जो था. चलो और कोई डाउट है? यस 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 सर यस. डाउट्स निकलते रहेंगे, बंद ही नहीं होंगे, एक घंटे में काम होने वाले. ठीक है, कोई एक स्टूडेंट अभी जो गर्ल्स में से कोई एक रीड करो जल्दी. Given in the figure are two blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton respectively. These are being pressed against a wall by a force F as shown. If the coefficient of friction between the blocks is 0.1 and between block B and the wall is 0.15, the frictional force applied by the wall on block B is. जो जो वॉल के साथ टच में वाला जो ब्लॉक, जो वॉल के साथ टच में वो 20 न्यूटन है क्या? वो बी है. यस, तो बी 100 न्यूटन है कि 20 न्यूटन है? 100 न्यूटन है. ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो अभी प्लीज, सब लोग स्क्रीन पे देखो. ये देखो, ये एक वॉल है. सी इट केयरफुली. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. डायग्राम में ए और बी ब्लॉक कॉन्टेक्ट में नहीं है. बी किसके कांटेक्ट में? वॉल में है, बोला है इसमें, लेकिन डायग्राम प्रेस अगेंस्ट ना. अच्छा बेटा काम करो, जो गर्ल ये क्वेश्चन पढ़ रही थी एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ो. गिवन इन द फिगर आर टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ वेट 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन रिस्पेक्टिवली. दीज आर बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल बाय अ फोर्स एफ एज शोन. If the coefficient of friction between the blocks is 0.1 देखो अभी आप सुनो, coefficient of friction between blocks आप 0.1 पढ़ रहे हो, तो जब दोनों blocks contact में नहीं है तो दोनों के बीच का friction क्यों दिया है फिर? Contact में होंगे ना? नहीं है, ऐसा नहीं है diagram. Diagram में नहीं दिया है ना, इसलिए. Diagram में B के B, अच्छा A कहाँ पे है diagram में फिर? A और B में थोड़ा space दिया है उन्होंने. Space कैसे हो सकता है? आपको हवा में लटकेंगे? स्पेस दिख रहा है वो होगा नहीं डेफिनेटली. आप एक बार बताओ, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? वॉल के ऊपर एक ब्लॉक टच है, फिर दूसरा ब्लॉक उसके थोड़ा गैप रख के फिर दूसरा ब्लॉक हैंग हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या जो डायग्राम दिख रहा है? नो, वो टच में है, वो डायग्राम की मिस्टेक है, डोंट वरी. अच्छा स्क्रीन ये देखो, जो मैंने स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम, ऐसा हो सकता है कि नहीं? दोनों ब्लॉक को ऐसे मैंने फोर्स लगा के प्रेस कर रहा हूं मैं. यस यस यस, यही चीज फिजिकली पॉसिबल है. अच्छा अभी सुनो, ए और बी के बीच में, यहाँ पे देखो, अगर ए और बी के बीच में अगर फ्रिक्शन हुआ तो उसका म्यू 0.1 दिया है. बी और वॉल के बीच में अगर फ्रिक्शन हुआ तो उसके लिए म्यू दिया है 0.15. ठीक है, अब देखो ये जो बी है उसका वेट है 100 न्यूटन, जो ए है उसका जो डाउनवर्ड फोर जो वेट है 20 न्यूटन. ये देखो स्क्रीन पे. अब जो गर्ल इसको पढ़ रही थी, खाली वो चीज पढ़ो, फाइंड आउट क्या करने को बोला है वो पढ़ो एक बार. The frictional force applied by the wall on block B. सबने सुना? खाली वॉल और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो चाहिए. ठीक है, तो एक बार बताओ ध्यान से देखो, ये A और B को दोनों को मिला के मैं सिस्टम मान लेता हूँ. तो एक बार बताओ, इस ये ऐसा फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा ये ना फ्रिक्शन बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक ना, ये फ्रिक्शन. Yes. एक बार अगर मैं A और B को मिला के एक सिस्टम मान लूं, तो A और B के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ना वो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना सिस्टम का. देखो, कंसीडर A प्लस B टुगेदर एज अ वन सिस्टम प्लीज. A और B को मिला के आप एक सिस्टम ले लो. ठीक है, तो एक बार A और B को मिला के मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ, तो A और B के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम हो जाएगा. yes. Yes. तो मुझे बता सकता है A प्लस B जो सिस्टम है
ये रेस्ट पे है ना, ए और बी जो ए और बी प्लस सिस्टम है ये मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो इस सिस्टम पे जो डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं इट विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस ना, अपवर्ड फोर्सेस। यस यस, सिस्टम पे बताओ सिस्टम पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, सिस्टम पे डाउनवर्ड 120 न्यूटन, 120 न्यूटन। उसमें खाली 20 नहीं लेंगे, 100 और 20 दोनों लेंगे ना डाउनवर्ड। यस क्योंकि ए और बी मिला के एक सिस्टम है, और व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स ऑन द सिस्टम, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन हम लोग लेंगे क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ना वो वॉल की तरफ से मिल रहा है, मतलब वॉल लगा रही है तो वॉल तो एक्सटर्नल हो गई ना, एक्सटर्नल। यस यस, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है ना वो मैं नहीं देखूंगा क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल है। तो फ्रिक्शन ये वाला जो है ना ये अपवर्ड फोर्स है सिस्टम के ऊपर, और जो डाउनवर्ड फोर्स है आपने बोला 120 है। देखो तो ये यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये है अपवर्ड फोर्स ऑन अ सिस्टम और ये जो है ना इट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन अ सिस्टम, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये जो ए प्लस बी का जो सिस्टम है वो रेस्ट पे है, नीचे थोड़ी गिर रहा है, वो रेस्ट पे है तो मतलब अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स मिल गया कितना होगा, 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, 120 न्यूटन है नहीं? यस सर, समझा सबने? यस यस सर। आज इतना ही कर पाएंगे क्योंकि एक घंटे में इतना ही होता है, एक दो और कराऊंगा तो बाकी लोग बोलेंगे हमारा नहीं हुआ। Yes. तो इतना ही करते हैं, जब हम लोग लेक्चर्स में मिलेंगे आगे आप पूछ सकते हो और भी, या आप नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं फिर जो भी हुआ, बट फिलहाल मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। ओके सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है अभी वो देखते हैं, आप सर के साथ डिसाइड करूंगा मैं क्या लेना है, देखता हूँ, पता नहीं है मुझे, देखना पड़ेगा। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो मैंने कंप्लीट करा दिया, बट थोड़ा करो इसके और क्वेश्चन अगर आते हैं तो।